हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का बज रहे 6:45 और अभी जस्ट उठे हैं सो के, और हम उठ कर आए हैं इच्ची का रूम में, और इच्ची को उठाने आए हैं। तो इच्ची देख रहे, उठ के पहले से ही पढ़ रहा है, उसका कुछ होमवर्क बाकी था वो कर रहा है। और इच्ची तो कब उठा था? देखिए, वो 5:30 बजे ही उठ गया था, उसका कुछ होमवर्क बाकी था तो वो करने लगा। और ऋषि अभी सोया हुआ है। तो अभी बज रहे 10:00 और मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। उठे तो ठीक था, उसके बाद जो पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, तो हम बाबू को नाश्ता भी नहीं दिए बना के, यही रोटी बना दिए, तो हम उसको खिला दिए, किसी तरह उसको भेज दिए। उसके बाद हम लेट गए, मेडिसिन लिए, पर पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। दवा लेने के बाद हम आ गए किचन, क्योंकि नाश्ता भी नहीं बनाए, तो कुछ खाना जल्दी बना देते हैं ताकि दोनों बेटा भूखा ना रहे, खा ले। तो दाल चावल चढ़ा दिए, दाल हो चुका है, और आलू पटल का भुजिया बना देंगे। बना के नहा के हम सो जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक पानी को घोल दिया, उसको हम पीते रह रहे क्योंकि भूमि हो गया हमको, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इधर मेरा चावल चढ़ा हुआ है, और इधर हमने भुजिया भी छोक दी, और दाल मेरा बन चुका है। बस फटाफट बना के हम नहा के रेस्ट करेंगे। तो मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उनको हल्का सा रेस्ट फील दिलाने के लिए मैं उनको पैर दबा दे रहा हूँ। तो मम्मी वहाँ पर सो रही है। तो मम्मी अभी यहाँ पर पी रही है ORS, और मैं यहाँ पर पी रहा हूँ जीरा। पापा अभी आ चुके हैं और मम्मी को खाना दे दिए है, और मम्मी खा रही है यहाँ पर। अभी बज गए 5:30, और मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। तो मेरा तबीयत ठीक रहने से शॉप पे नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं। बोलते हैं तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे हम, तो घर पे ही हैं। तो गाछ पे पानी दे रहे हैं आज, बोले तुम बैठो रेस्ट करो। तो बस हम उनके साथ बात कर रहे हैं और वो पेड़ पौधों में पानी दे रहे हैं। तो देखिए घर पे हैं, पानी दे रहे हैं गाछ पे, बोले नहीं जाएंगे तुमको छोड़ के। कितना प्यार करते हैं उनको ना, वही पानी मर दें। हाँ, वो भी चलेगा क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो पानी दे रहे, पूजा भी कर दे रहे, बोले हम है तो हम कर दे रहे, हमको पूजा देखने का। बज रहे हैं 7:30, और वो घर पे ही है, तो बोले तबीयत खराब है तो क्या हुआ, चलो थोड़ा बैठ के आते हैं बाहर में या घूम के आते हैं। तो हमको ले जा रहे थोड़ा सा, देखते कहाँ जा रहे हैं। हालांकि मन बिल्कुल भी नहीं है, पर ये जिद कर रहे कि नहीं चलो बाहर में अच्छा लगेगा तुमको, तो हमको ले जा रहे हैं। ये मार्केट, और देखिए यहाँ पर हमको चप्पल का मिला कर बैठा रही है। यहाँ का ब्रेड शॉप बहुत अच्छा बनता है, इसलिए यहाँ का ब्रेड शॉप हम ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये खा रहे पकौड़ी, कैसा है? ये खराब मेरी हमको मार्केट घुमा के ले आए, बोले घर में बैठ के क्या करेगी, चलो घूमने। तो हमको ले आए देखिए घुमा के, और एक सूट दिला दिए, ये बेनिफिट हुआ कि हमको एक सूट दिला दिए, घुमा दिए, पर कुछ खिलाए नहीं, बस गर्मा गर्म जलेबी ले आए। तो मार्केट से हम आ गए घर, और घर आके ये सबको ब्रेड चॉप दे रहे, पर हम तो ब्रेड चॉप नहीं खाएंगे, सिर्फ हम जलेबी खाएंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये भी ड्रेस नहीं खोले, बोले पहले खा लो गर्म गर्म है। ये लोग सब ब्रेड चॉप खा रहे हैं, हमको नहीं देंगे, हमको सिर्फ जलेबी देंगे। अच्छा लग रहा है जी, जलेबी अच्छा लग रहा है। जी तू, तेरा ब्रेड चॉप फेवरेट, अच्छा लग रहा है। फिलहाल मार्केट से आके हम खाना वाना खा लिए, और एकदम फ्रेश होकर बेड में बैठे हुए हैं, अब जाएंगे सोने के लिए। तबीयत तो ठीक नहीं है, पर फिर भी हमको जिद करके मार्केट ले गए, और जब मार्केट ले गए तो एक सूट भी हमको दिलवा दिए। तो कोई नहीं, अच्छा लगता है कि शादी कितने सालों के बाद भी हम लोग में प्यार और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ ही रहा है, बल्कि सिर्फ बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है। पता नहीं, हम तो इनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते, एक मिनट भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग का ही पैन करती हूँ, और चलती हूँ रेस्ट करने के लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।